इधर भारत में ताबड़तोड़ चुनाव जीत रहे थे मोदी, उधर भर भरा कर ढहने लगी चीन की अर्थव्यवस्था। चीन की इकोनॉमी पर अचानक बदला मूडी का मूड, रैंकिंग को किया निगेटिव, शेयर बाजार में तहलका। तो 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा भारत, S&P ग्लोबल रेटिंग का हो गया ऐलान, हिले जर्मनी जापान। दोस्तों कहावत तो सुनी होगी, चीन का सामान चले तो चांद तक वरना शाम तक। तो भाई साहब खेला हो गया, भारत के खिलाफ कभी LAC तो कभी समंदर में दादागिरी करने वाले चीन का सूपड़ा साफ होने लगा है। पहले वहां से लगातार कंपनियों ने टाटा बाय बाय बोलना शुरू किया और अब इकोनॉमी का बाजा बजने लगा है। ताज़ा दो ऐसी खबर है जिससे जिनपिंग पसीना पसीना है। तो चीन के मार्केट में हाहाकार मचा है। पहली खबर ये कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 5 दिसंबर को चीन की क्रेडिट रेटिंग को स्थिर से घटाकर निगेटिव कर दिया, जिसके बाद पहले से ही जमीन पर लौटने वाले चीन के अर्थव्यवस्था में हाहाकार मचा है और चीन के शेयर बाजार औंधे मुंह गिर चुके हैं। दूसरी खबर यह है कि IT दिग्गज एप्पल ने भारत को सबसे बड़ी गुड न्यूज़ दे दी है, मतलब मोदी की बात मानते हुए एप्पल ने चीन को सदमे में डाल दिया है और भारत की बल्ले बल्ले करा दी है, क्योंकि चीन मार्केट धड़ाम हुआ है तो भारत में कुलाचे मार रहा है। और दोस्तों तीसरी और जानदार खबर यह है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। S&P के ऐलान से जापान और जर्मनी में भूचाल आ चुका है। तो दोस्तों आखिर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ आखिर क्या हो रहा है, भारत को इससे फायदा क्या मिलने जा रहा है और क्या अब चीन के 12 बजने वाले हैं। तो दोस्तों पहली बात यह है कि मूडी ने चीन की अर्थव्यवस्था को पहले अस्थिर करार दिया और अब उसे निगेटिव करार दे दिया है, मतलब यह है कि चीन की अर्थव्यवस्था खतरनाक स्थिति का सामना कर रही है और देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मंदी से गुजर रहा है और इसका कारण खुद चीन की कम्युनिस्ट सरकार है, जिसने कोरोना के दौरान बार बार लॉकडाउन लगाया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर सप्लाई चेन की रफ्तार को तबाह कर डाला। नतीजा ये हुआ कि चीन का प्रॉपर्टी सेक्टर तबाह हो गया, बने हुए घर बिकना बंद हो गए, कंट्री गार्डन और एवरग्रांडे जैसे रियल इस्टेट दिग्गज दिवालियेपन का ऐलान कर चुके हैं। अब मूडीज ने अनुमान लगाया है कि चीन की वार्षिक GDP वृद्धि 2024 और 2025 में 4% और 2026 से 2030 तक औसतन 3.8% तक सिमट जाएगी। दोस्तों इस वक्त मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और फिच जैसी एजेंसियां किसी भी देश की ग्रोथ का अनुमान लगाती हैं। यह अनुमान किसी भी देश की कंपनियों के वित्तीय और व्यावसायिक मॉडल के साथ साथ सरकारों के द्वारा आर्थिक प्रबंधन का मूल्यांकन करती हैं। ऐसी एजेंसी से बेहतर रेटिंग मिलने से कंपनियों और सरकारों को सस्ती दर पर धन जुटाने में मदद मिलती है। अब जैसे ही मूडीज ने अपनी रेटिंग्स जारी की, उस पर चीन ने कहा कि चीन की क्रेडिट रेटिंग पर डाउनग्रेड किए गए आउटलुक से निराश हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि चीन ही नहीं, मूडीज ने कुछ वक्त पहले अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग आउटलुक को भी स्थिर से घटाकर निगेटिव कर दिया था, क्योंकि तब बढ़ती ब्याज दरों से अमेरिका में खतरा पैदा हो गया था। तब स्थिति ये बन गई थी कि अमेरिका कांग्रेस ने बाइडेन प्रशासन को कर्ज चुकाने के लिए कर्ज का दायरा बढ़ाने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में अमेरिकी कांग्रेस ने कर्ज के दायरे को बढ़ा दिया, जिसके बाद मूडीज ने एक बार फिर से देश की अर्थव्यवस्था की रेटिंग AAA कर दी। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत को लेकर मूडीज का मूड इस वक्त शानदार है। मूडीज के मुताबिक साल 2023 में भारत की GDP ग्रोथ 6.7 रहेगी, जो साल 2024 में 6.1 रहने वाली है। हालांकि इस वक्त भारत की GDP 7.8 की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जो कि चीन से कहीं ज्यादा आगे है। अब दोस्तों दूसरी खबर आपको बताता हूं। तो दूसरी खबर यह है कि मोदी की बात मानते हुए एप्पल ने भारत के पक्ष में बड़ा फैसला किया है। अब कंपनी नए सप्लायर के रूप में भारत, जापान और साउथ कोरिया को रखना चाहती है। इन्हीं देशों से वो अपने गैजेट्स के लिए जरूरी पार्ट्स लिया करेगी। भारत में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से एप्पल ने इस बारे में संपर्क भी किया है। कंपनी ने यह फैसला सरकार के आयात को मंजूरी में होने वाली देरी को लेकर लिया है। चीनी कंपनियां इससे पहले फोन के कई जरूरी पार्ट सप्लाई किया करती थी, जिसमें बैटरी, कैमरा लेंस, चार्जर और अन्य इक्विपमेंट शामिल थे। इन्हें कंपनी अपने फ्लैगशिप भारत में बनने वाले आईफोन और आईपैड्स में यूज करती थी। जनवरी में एप्पल के लिए पार्ट्स बनाने वाली 17 चीनी कंपनियों ने सरकारी क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया था। इनमें भारत में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए कहा गया था। 17 में से 14 कंपनियों को शुरुआती अप्रूवल दे दिया गया था। 4 कंपनियों को मिलने वाले अप्रूवल में देरी हुई थी, जबकि 6 अन्य कंपनियों ने सरकार को बताया कि वो भारत में सेटअप लगाने के इच्छुक नहीं हैं। 4 कंपनियों के स्टेटस के बारे में जानकारी नहीं मिली थी।
जनवरी में कंपनियों को सिर्फ शुरुआती अप्रूवल ही दिया गया क्योंकि सभी कंपनियां चीनी थी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए ही ये अप्रूवल दिए गए थे। अब वो भी खत्म हो रहा है। दोस्तों, एप्पल के ज्यादातर पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां चीनी ही हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अभी भारत में इकलौता एप्पल वेंडर है। टाटा भी भारत में अपनी केसिंग फैसिलिटी को दोगुना करने पर काम कर रही है। पिछले कुछ सालों में एप्पल ने चीन से बाहर भारत में अपने प्रोडक्ट बनाने पर जोर दिया। एप्पल के सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्लेयर अब भारत में है। फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने टेक ओवर कर लिया है। अब दोस्तों, जिस वक्त भारत में मोदी की पार्टी दे दनादन चुनाव जीत रही है, ठीक उसी वक्त दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी एनएसपी ग्लोबल रेटिंग ने ऐलान कर दिया है कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 में देश की जीडीपी ग्रोथ 7% रहने वाली है। S&P का मानना है कि भारत अगला बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनने वाला है। S&P की रिपोर्ट में कहा गया कि चालू वित्तीय वर्ष में GDP ग्रोथ रेट 6.4% रहने का अनुमान है। 2026 में इसके 7% तक पहुंचने की उम्मीद है। एजेंसी के मुताबिक भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है और उम्मीद है कि अगले 3 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी। भारत वर्तमान में अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, S&P के पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा था कि 2030 नहीं बल्कि उससे पहले ही यानी कि साल 2027 तक ही $5,000 अरब के सकल घरेलू उत्पाद के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। तो वहीं मोदी सरकार की कोशिश है कि भारत साल 2025 तक ही ये आंकड़े को पार कर ले, लेकिन इस तूफान ने जापान और जर्मनी की हवा भी टाइट कर दी है। तो वहीं चीन के पांव भी उखड़ने लगे हैं।